क्वेश्चन किस वे में पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं स्थानांतरित कब हुई है, स्थानांतरित कब हुई 1911 में, लेकिन बनी कब है, बनने वाला आंसर जो है वो कुछ और है, 1 अप्रैल 1912 को किया थी। जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर, आप सभी का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम स्टैटिक जीके को डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए डेली आपको स्टैटिक जीके की क्लास जो है वो क्विज की फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी तैयारी जो है वो आप विजयपथ एजुकेशन के साथ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला जीके का सेक्शन हम आज कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास रहेगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। देखिए अब जो लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल है वो डे बाय डे जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, तैयारी भी आपकी वैसी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि किस शासक ने 1178 में, देखिए 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था, राजा भोज, भीम द्वितीय, भामा प्रथम या फिर पृथ्वीराज तृतीय, तो क्या आपका आंसर है ये आप यहाँ पे आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। भीम द्वितीय ने जो है वो 1178 में मोहम्मद गोरी को जो था वो हराया था। अब यहाँ पे इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन भी हमने ऐड की है ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें कोई कमी जो है वो ना रह पाए। तो भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। देखिए ध्यान से आप यहाँ पे नोट कर लें सारी चीजों को, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, जरूरी नहीं आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर ही कवर अप करना है, आप उसके साथ उसकी एक्स्ट्रा डिटेल को भी साथ में ध्यान रखें, क्योंकि जो आपके अपकमिंग सेंटर के एग्जाम है चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम है उसमें डे बाय डे कंपटीशन आपका क्या हो रहा है, टफ हो रहा है। ठीक है, मेरिट भले चाहे आपकी कम जाए, जैसे आपको बताओ HPPSC की मेरिट 1.50 के अराउंड गई है, 1.80 जिसके नंबर हैं, एक डेढ़ नंबर वाला जो बंदा है उसकी सिलेक्शन हुई है HPPSC में, PGT के एग्जाम में। तो आप ध्यान रखें लेवल जो है वो पेपर का बिल्कुल हाई रहने वाला है चाहे मेरिट आपकी कितनी भी कम जाए। तो बेसिक डिटेल आप साथ साथ में इसको नोट डाउन कर सकते हो। भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था और ये आक्रमण कहाँ पे हुआ था, गुजरात पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कई बार पूछा जाता है कब हुआ था, ये हुआ था 1191 में, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अच्छा किसके बीच में हुआ था, वही सेम क्वेश्चन है कि एक तो मोहम्मद गोरी था, दूसरा व्यक्ति कौन था जो कि विनर रहा था, मोहम्मद गोरी तो हार गया था तराइन के युद्ध में, तो दूसरा व्यक्ति कौन था आपको बताना है, मालदेव राठौर, बप्पा रावल, राणा कुंभा या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान के बीच जो था वो युद्ध हुआ था, किसका, 1191 में तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान इन दोनों ने आपस में युद्ध किया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी, विजय हुई थी, ये विजेता रहे थे, और सॉरी पृथ्वीराज चौहान जो थे वो विजेता रहे थे, मोहम्मद गोरी जो थे वो हार गए थे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये इसकी डिटेल है, आप इससे भी यहाँ पे अपनी क्वेश्चंस को और अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए बेसिक क्वेश्चन है और काफ़ी बार एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में एमटीएस है, जीडी है या फिर जो सीएचएसएल है, सीजीएल है, उन क्वेश्चंस में उन पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जैन मंदिर है कौन सा जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, एमपी में, यूपी में, राजस्थान में या फिर हरियाणा में।
तो ये जो मंदिर है ये कहां पे है, ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पे आप देख सकते हैं दिलवाड़ा मंदिर, पांच मंदिरों का समूह है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कितने मंदिरों का समूह है, तो दिलवाड़ा मंदिर जो है उसमें कितने मंदिर है, पांच मंदिर है। ठीक है, वैसे ही भरमौर का 84 मंदिर है जिसमें कितने मंदिर है, 84 84 मंदिर है। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश में स्थित है भरमौर मंदिर। नेक्स्ट है राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू पर्वत पर यह स्थित है। अब कहां पे स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान में स्थित है, आपको पता लग गया। कितने मंदिरों का समूह है, पांच मंदिरों का समूह है। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन है राजस्थान। लेकिन अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, राजस्थान आपसे नहीं पूछेगा, थोड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो राजस्थान में किस जगह पे है, माउंट आबू जो पर्वत है वहां पर ये स्थित है। बाकी इसकी एक्स्ट्रा डिटेल है वो भी आप जो है वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग इसको कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहेगा, अजंता की गुफाएं कहां पे हैं। सबसे फेमस क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, स्टेट लेवल के एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अजंता की गुफाएं कहां पे स्थित है, महाराष्ट्र, हिमाचल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो महाराष्ट्र। कई बार ये क्वेश्चन हिमाचल की फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है कि अजंता की गुफाएं, ठीक है, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, तो जो आपका रॉककट टेम्पल है वो आपका फिर राइट आंसर होता है, लेकिन वो हिमाचल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑल इंडिया की बात की जा रही है, अजंता की गुफाएं जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन सी जगह है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये जो है वो गुफाएं स्थित हैं। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे, तो आप देख सकते हो बाघ नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, बाघ नदी के किनारे ये कहां पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसको 1829 ईस्वी में शिकारी गश्ती दल ने खोजा था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा जो है वो इनकी खोज की गई, तो इनकी खोज की गई थी किसके द्वारा, शिकारी गश्ती दल, एक दल है, एक समुदाय है जिसने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आपके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, डे बाय डे कॉम्पिटिशन आपको पता है टफ हो जा रहा है, उसके लिए आप हमारे विजयपथ एजुकेशन के ऊपर, यहाँ पे वेबसाइट गिवन है आपके लिए www.vijaypatheducation.com, यहाँ पे आप अपने पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग अपने जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। सिर्फ ₹50 के आपको 50 प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो हमारे फेस्टिवल ऑफर्स हैं वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आप इन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। देखिए आंसर पहले ही यहाँ पे शो हो गया है, लेकिन रजिया सुल्तान आपने नाम सुना होगा, ये ऐसी पहली महिला मुस्लिम शासक थी जिसने भारत पर क्या किया था, राज किया था, अपना शासन किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसी पहली महिला है, महिलाओं का जब क्वेश्चन आएगा ऐसी फर्स्ट लेडी है जिसने शासन किया था, उसका नाम है रजिया सुल्तान। लेकिन क्वेश्चन है ये कि बेटी किसकी थी, रजिया सुल्तान जो थे वो किसकी बेटी थी, इल्तुमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, बहराम की, या फिर बलबन की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुमिश। इल्तुमिश की बेटी का नाम क्या था, रजिया सुल्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश जिसमें गुलाम वंश या मामलूक वंश के नाम से जाना जाता था, जो कि मध्यकालीन भारत। इतिहास में शामिल थे। यहां पे जब इल्तुमिश आए थे तो उनकी जो बेटी थी, जो कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी थी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब से कब तक शासन किया यह भी पूछा जाता है, 1236 से लेकर 1240 तक, लगभग 5 साल। ठीक है, 5 साल, 4.5 साल तक इन्होंने जो किया वो शासन किया है भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष
कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम भारत की जो कैपिटल है वो क्या है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली। लेकिन पहले क्या थी, पहले थी कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है, जहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं और अभी काफी चर्चित है न्यूज में, काफी ज्यादा वहां पे कोलकाता के केसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कलकत्ता को दिल्ली से कब ट्रांसफर किया गया था, क्वेश्चन आपका इस वे में है, 1911 में, 1905, 1907 या फिर 1909। राइट आंसर रहेगा 1911। 1911 से पहले भारत की राजधानी थी वो थी कलकत्ता, ठीक है। कौन से भारत, ब्रिटिश भारत, क्योंकि भारत आजाद कब हुआ, 1947, ठीक है। तो 1910 तक जो कैपिटल थी वो थी कलकत्ता और उसके 1911 में इसको चेंज कर दिया, कहां से, कलकत्ता से दिल्ली चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी इसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई है, वो भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी के स्वागत में 1911 को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। इसी दरबार में जो वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी को चेंज करने, कलकत्ता से दिल्ली जो था वो इन्होंने स्थानांतरित की और इसकी घोषणा जो है वो कर दी और फाइनली 1 अप्रैल 1912 को जो है ये राजधानी बन गई। ध्यान रखना, राजधानी बनी। तो क्वेश्चन एग्जामिनर किसी वे में आपसे पूछ सकता है, हो सकता है आपको क्वेश्चन आए कि स्थानांतरित कब हुई, तो आपका राइट आंसर आएगा 1911, ठीक है। उसके बाद राजधानी पूरी तरह से बन कब गई, तो 1/4/1912 को जो थी पूरी राजधानी बन गई कलकत्ता से दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। देखिए जरूरी नहीं है अभी जो हमने क्वेश्चन किए डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन हो कि उनका आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बताना है। अब जो लेवल है पेपर्स का वो थोड़ा सा चेंज है जिसमें आपको क्रिस क्रॉस वे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें मैचिंग द फॉलोइंग की फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, इस वे में भी आपका क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें आपको बताना है कौन सी चीज जो है वो सही है। पहाड़ी दर्रों की बात की जा रही है कि रोहतांग दर्रा जो है ये सिक्किम में है, ये आपको बताना सही है या गलत है। आपको यहाँ पे बात बताई गई है किसकी, सही की, कौन सी ऑप्शन आपको यहाँ पे बिल्कुल सही लग रही है कि रोहतांग दर्रा सिक्किम में है, लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड में है, बोमडिल्ला जो है वो हिमाचल में है और नाथुला दर्रा जो है वो अरुणाचल में है। तो रोहतांग दर्रा के बारे में तो हमें पता है, ठीक है, अटल टनल जहां पे है, तो ये तो फिर हिमाचल में, ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। अब इन तीनों में से हमें बिल्कुल सही आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख जो है ये कहां पे है, ये है उत्तराखंड में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल टनल जो कि मंडी मनाली कुल्लू के रास्ते को जो है वो क्रॉस करती है, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे वहीं से यहाँ के आपके दर्रों के बारे में भी बात की गई है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है और यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट था बोमडिल्ला, ये है अरुणाचल प्रदेश में और नाथुला दर्रा काफी फेमस क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। हिमाचल जीके में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कौन सा दर्रा किस एरिया को जो है वो कवर करता है, किसको जोड़ता है, वैसे ही आपको दर्रा बताना है जो सिक्किम को किसके साथ जोड़े, चाइना के साथ जोड़े, सिक्किम और चाइना के बॉर्डर को बनाए, यानी कि नाथुला दर्रा है, माना दर्रा, बारालाचा दर्रा या फिर देवसा दर्रा, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा हमारा राइट आंसर रहेगा जो कि सिक्किम को किसके साथ कनेक्ट करता है, चाइना के साथ कनेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम में स्थित है और कौन सी श्रेणी में, वो भी आप देख सकते हो, डोगेक्या श्रेणी में ये स्थित है जो कि भारत और चीन के साथ क्या बनाता है, एक व्यापार का संबंध बनाता है। इस दर्रे से क्या होता है, भारत और चाइना के बीच व्यापार होता है। भारत का कौन सा क्षेत्र है वो भी आप ध्यान रखेंगे, भारत का जो सिक्किम है, ठीक है, वो वाली चीज, ठीक है, सिक्किम की कैपिटल जो है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सिक्किम की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है कावारती जो कि क्या है, यूटी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, किस केंद्र शासित प्रदेश की
राजधानी, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये जो है वो किसी एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। जैसे टोटल जो है हमारे 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, वैसे हमारी यूटीज हैं। आपको बताना है जो केंद्र शासित प्रदेश है किसकी राजधानी जो है वो कावारती है। जम्मू कश्मीर की तो कावारती नहीं है, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख की लेह है, जम्मू कश्मीर की जम्मू है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन्हीं दोनों में से आपका आंसर जो है वो होगा, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, द्वीप समूह और दमन, इनको जो है वो मर्ज कर दिया, तो राइट आंसर इसका फिर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ये अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा है, एक पूरे भारत का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें हमारी यूटीज भी आती हैं, हमारे स्टेट्स भी आते हैं। और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। छोटे का क्वेश्चन आ सकता है, बड़े का क्वेश्चन भी आ सकता है, और लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कावारती, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी का ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, एसएससी जीडी रेलवे एनटीपीसी में इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा, अगर आप मैप को देखेंगे तो आपको यहां पे ये बताना कि कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, जो पूरे तरह से बांग्लादेश से तीनों चारों तरफ से वो घिरा है, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर यहां पे हमारे पास रहेगा वो है त्रिपुरा, क्योंकि मैंने हिंट दिया तीन साइडों से घिरा है, तीन, तो तीन से त्री, तो यानी कि त्रिपुरा जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि साउथ से, वेस्ट से, और साउथ वेस्ट और नॉर्थ से, तीनों डायरेक्शन से किससे घिरा है, बांग्लादेश से घिरा, और बांग्लादेश क्या एक कंट्री है, ठीक है, वो एक राज्य नहीं है, वो क्या एक कंट्री है। और ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य, तीसरे नंबर पे जो सबसे छोटा राज्य आता है वो कौन सा आता है, त्रिपुरा आता है, ठीक है। ये आपके आज के हमारी क्लास के क्वेश्चन थे। डेली हिंदी इंग्लिश करंट अफेयर एंड न्यूज़पेपर के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको दिए गए इस नंबर के ऊपर जो है वो मैसेज करना है, और आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लास जो है वो काफ़ी अच्छी लगी। ऐसी ही डेली आपको क्लासेस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एसएससी जीडी रेलवे एनटीपीसी और डिफरेंट ऑल इंडिया लेवल एग्जाम के लिए आपको विजयपथ एजुकेशन की तरफ से मिलती रहेगी। जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। राजधानी बनी, तो क्वेश्चन एग्जामिनर किसी वे में आपसे पूछ सकता है, हो सकता है आपको क्वेश्चन आए कि स्थानांतरित कब हुई, तो आपका राइट आंसर आएगा 1911, ठीक है। उसके बाद राजधानी पूरी तरह से बन कब गई, तो 1/4/1912 को जो थी पूरी पूरी राजधानी बनेगी कलकत्ता से दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। देखिए जरूरी नहीं है अभी जो हमने क्वेश्चन किए डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन हो, कि उनका आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बताना है। अब जो लेवल है पेपर्स का वो थोड़ा सा चेंज है, जिसमें आपको क्रिस क्रॉस वे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें मैचिंग द फॉलोइंग की फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, इस वे में भी आपका क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें आपको बताना है कौन सी चीज जो है वो सही है। पहाड़ी दर्रों की बात की जा रही है कि रोहतांग दर्रा जो है ये सिक्किम में है, ये आपको बताना सही है या गलत है। आपको यहाँ पे बात बताई गई है किसकी, सही की, कौन सी ऑप्शन आपको यहाँ पे बिल्कुल सही लग रही है कि रोहतांग दर्रा सिक्किम में है, लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड में है, बोमडिल्ला जो है वो हिमाचल में है, और नाथुला दर्रा जो है वो अरुणाचल में है। तो रोहतांग दर्रा के बारे में तो हमें पता है, ठीक है, अटल टनल जहाँ पे है, तो ये तो फिर हिमाचल में, ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। अब इन तीनों में से हमें बिल्कुल सही आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख जो है ये कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल टनल जो कि मंडी मनाली कुल्लू के रास्ते को जो है वो क्रॉस करती है, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे वहीं से यहाँ के आपके दर्रों के बारे में भी बात की गई है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, और यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट था
बोमीडिल्ला ये है अरुणाचल प्रदेश में, और नाथुला दर्रा काफी फेमस क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। हिमाचल जीके में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कौन सा दर्रा किस एरिया को जो है वो कवर करता है, किसको जोड़ता है, वैसे ही आपको दर्रा बताना है जो सिक्किम को किसके साथ जोड़े, चाइना के साथ जोड़े, सिक्किम और चाइना के बॉर्डर को बनाए, यानी कि नाथुला दर्रा है, माना दर्रा, बारालाचा दर्रा या फिर देवसा दर्रा, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा हमारा राइट आंसर रहेगा, जो कि सिक्किम को किसके साथ कनेक्ट करता है, चाइना के साथ कनेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम में स्थित है, और कौन सी श्रेणी में वो भी आप देख सकते हो, डोगेक्या, डोगेक्या श्रेणी में ये स्थित है, जो कि भारत और चीन के साथ क्या बनाता है, एक व्यापार का संबंध बनाता है। इस दर्रे से क्या होता है, भारत और चाइना के बीच व्यापार होता है। भारत का कौन सा क्षेत्र है वो भी आप ध्यान रखेंगे, भारत का जो सिक्किम है, ठीक है, वो वाली चीज, ठीक है, सिक्किम की कैपिटल जो है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सिक्किम की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, कवरत्ती जो कि क्या है, यूटी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये जो है वो किसी एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। जैसे टोटल जो है हमारे 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, वैसे हमारी यूटीज हैं, आपको बताना है जो केंद्र शासित प्रदेश है किसकी राजधानी जो है वो कवरत्ती है। जम्मू कश्मीर की तो कवरत्ती नहीं है, ठीक है, लद्दाख, लद्दाख की लेह है, जम्मू कश्मीर की जम्मू है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन्हीं दोनों में से आपका आंसर जो है वो होगा, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, द्वीप समूह और दमन, इनको जो है वो मर्ज कर दिया, तो राइट आंसर इसका फिर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ये अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा है, एक पूरे भारत का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें हमारी यूटीज भी आती हैं, हमारे स्टेट्स भी आते हैं, और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। छोटे का क्वेश्चन आ सकता है, बड़े का क्वेश्चन भी आ सकता है, और लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवरत्ती, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी का ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, एसएससी जीडी रेलवे एनटीपीसी में इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा, अगर आप मैप को देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये बताना कि कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, जो पूरे तरह से बांग्लादेश से तीनों चारों तरफ से वो घिरा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास रहेगा वो है त्रिपुरा, क्योंकि मैंने हिंट दिया तीन साइडों से घिरा है, तीन, तो तीन से त्रि, तो यानी कि त्रिपुरा जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि साउथ से, वेस्ट से, और साउथ वेस्ट और नॉर्थ से, तीनों डायरेक्शन से किससे घिरा है, बांग्लादेश से घिरा, और बांग्लादेश क्या एक कंट्री है, ठीक है, वो एक राज्य नहीं है, वो क्या एक कंट्री है, और ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य, तीसरे नंबर पे जो सबसे छोटा राज्य आता है वो कौन सा आता है, त्रिपुरा आता है, ठीक है। ये आपके आज के हमारी क्लास के क्वेश्चन थे। डेली हिंदी इंग्लिश करंट अफेयर एंड न्यूज़पेपर के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको दिए गए इस नंबर के ऊपर जो है वो मैसेज करना है, और आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लास जो है वो काफ़ी अच्छी लगी, ऐसी ही डेली आपको क्लासेस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एसएससी जीडी रेलवे एनटीपीसी और डिफरेंट ऑल इंडिया लेवल एग्जाम के लिए आपको विजयपथ एजुकेशन की तरफ से मिलती रहेगी। जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।